तो स्टार्ट करते हैं। पहला रहेगा आपका इंडेक्स वन, जिसका हम लोग लिख देते हैं नाम प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, व्हेन आई से प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो सबसे पहले आपको क्या पता करना है मालूम है क्या, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है करके। अच्छा, तो सबसे पहला अपना पॉइंट रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले लिख देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, थोड़ी देर पहले बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है आपका, एक एक करके लिखते जाना। सबसे पहला रहेगा आपका बैलेंस शीट, उसके बाद आपका क्या आ सकता है दूसरा, इनकम स्टेटमेंट, या तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब यहां पे लिख सकते हैं इंक्लूडिंग ओसीआई, दैट इज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हम लोग थोड़ी देर बाद करेंगे, इसके बाद ये सेंड करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। और उसके बाद आपका आ सकता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और उसके बाद फिफ्थ आ सकता है आपका नोट्स टू अकाउंट्स। अच्छा, नोट्स टू अकाउंट्स मतलब जो भी चीजें वो लिखी गई है बैलेंस शीट में वगैरह, उसका एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन वहां पे लिखा रहेगा, तो नोट्स उसके। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं सेकेंड पॉइंट में आपको बताऊँ बैलेंस शीट का फॉर्मेट, तो बैलेंस शीट में ऐसा होता है कि क्लासिफिकेशन, अगर हम यहाँ पे बैलेंस शीट की बात करते हैं, समझो मैं हेडिंग लिख देता हूँ बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में आपका अगर मैं एक साइड की बात करूँ, तो सबसे पहला वो एक साइड आपका रहेगा कौन सा साइड, एसेट, और यहाँ पे एक और साइड आपका रहेगा कौन सा, वो एक के नीचे एक रहेगा, मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए वो बाजू में लिख रहा हूं, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। अब मैं अगर बात करता हूं असेट साइड की, तो असेट साइड में क्लासिफिकेशन होते हैं, कौन से क्लासिफिकेशन होंगे असेट के अंदर, पहला रहेगा आपका नॉन करंट असेट, और दूसरा आपका मेन मेजर क्लासिफिकेशन में क्या आता है आपका करंट असेट्स। अगर मैं इक्विटी लाइबिलिटी की बात करूं, तो एक हेडिंग आपकी इक्विटी की आती है और एक हेडिंग किसकी आती है फिर आपकी लाइबिलिटी, और अगेन लाइबिलिटी में कितने पार्ट रहेंगे, दो। नॉन करंट एंड करंट लाइबिलिटी। अब इंपॉर्टेंट डिसीजन ये है कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई एज टू व्हाट इज करंट एंड व्हाट इज नॉन करंट ओवर हियर, एंड व्हाट इज करंट एंड व्हाट इज नॉन करंट। तो मुझे बताओ आप क्लासिफिकेशन कैसे करते हो, कोई चीज करंट है या फिर नॉन करंट है।
ऑन व्हाट बेसिस? उसको क्या मानेंगे, करंट मानेंगे कि नॉन करंट? अच्छा चलो मैं बोलता हूं आपको, सबसे पहले आप अगर ये थोड़ा सा लिखना है तो लिख दो, या तो मैं सीधा एक थर्ड क्लासिफिकेशन लिखा रहा हूँ, करंट और नॉन करंट कैसे डिसाइड किया जाता है करके। करंट वर्सेस नॉन करंट, करंट और आई कैन से नॉन करंट क्लासिफिकेशन, तो ये कैसे करते हैं इसके बारे में देखते हैं। समझाओ ये क्या है करके। तो अब सबसे पहले हम ये देखने वाले कि करंट और नॉन करंट का क्लासिफिकेशन होता कैसे है करके। अच्छा इसके पहले मेरे को एक टर्म समझाना पड़ेगा, ऑपरेटिंग साइकिल करके। तो अभी आप लिखो मत, थोड़ी देर में पहले समझाता हूँ, फिर वो एक साथ लिख देते हैं क्या है करके। पहले मेरे को आप बताओ आपको ऑपरेटिंग साइकिल से क्या समझ में आता है? कब आएगा? बराबर, हम बिजनेस में ऑपरेट करते तो हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, फिर रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करते हैं? WIP, फिर वो किस में कन्वर्ट होता है? फिनिश गुड्स। फिर फिनिश गुड्स बेचेंगे तो तुरंत पैसा मिले ज़रूरी नहीं है, डेटर, फिर डेटर वो क्रेडिटर, फिर वो उसे वापस खरीदा। मतलब ये जो या तो सीधा डेटर से जिस दिन पैसा मिला मैं बोल सकता हूँ वो रॉ मटेरियल का, तो ये घूम के जो अपने को पैसा मिला दैट इज़ नोन एज ऑपरेटिंग साइकिल, कि वॉट वी हैव इन्वेस्टेड वो अपने को रिटर्न कब मिला। IPCC में सीखा रहेगा उसी इंटर में अपना, वर्किंग कैपिटल और ऑपरेटिंग साइकिल करके कुछ था करके कभी। अच्छा ठीक है, तो जो भी है तो ये ऑपरेटिंग साइकिल होता है ये अपने को पता है। अब जरूरी है क्या कि ऑपरेटिंग साइकिल 8 महीना हो, 12 महीना हो, या कुछ भी हो सकता है? इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल एफ आई से अगर वो सैंडविच वाला है तो उसका ऑपरेटिंग साइकिल एक दिन का ही रहेगा, एक दिन का भी नहीं, वो बनाया बेचा तुरंत खत्म हो गया। वही अभी बिल्डिंग बनाने वाला रहेगा तो एक दिन में पहले तो बिल्डिंग का प्लान बनेगा, बनेगा और फिर पैसा मिलेगा, मतलब इट इज गोइंग टू टेक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बनाई से बिल्डिंग तो रॉ मटेरियल, फिर बिल्डिंग WIP बनेगा, फिर बिकेगा, पैसा आना, मतलब तो एक टाइम लग सकता है। इट मीन्स मैं ये बोल रहा हूँ ऑपरेटिंग साइकिल जरूरी नहीं कि हर बिजनेस का सेम हो, फॉर एवरी बिजनेस इट इज डिफरेंट, इट इज सब्जेक्टिव। समझ में आता है ये चीज? अच्छा जनरली जो आपका करंट और नॉन करंट का होता है क्लासिफिकेशन, ये कुछ दूसरा ही स्टेटमेंट आ गया था। अच्छा वैसे जनरली करंट नॉन करंट का क्लासिफिकेशन होता है तो इसमें ना दो चीजें देखी जाती है, इन दोनों में से जो भी हायर रहेगा वो लिया जाता है, एक तो 12 मंथ्स या तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल, इन दोनों में से जो भी ड्यूरेशन विच एवर इज हायर रहेगा उसको डिसीजन फैक्टर के लिए लिया जाएगा। मान लो 12 महीना एक नॉर्मल ड्यूरेशन है जो 1 फाइनेंशियल ईयर का होता है, और आपका बिजनेस है जहां पे आप 8 महीने में पैसा कलेक्ट कर लेते हो इन्वेस्ट करने के बाद, तो अभी डिसीजन के लिए क्या आएगा विच एवर इज हायर में 12 महीना। अब कोई भी चीज अगर 12 महीने में रियलाइज हो जाती है तो वो करंट, और 12 महीने से ज्यादा टाइम लगता है तो वो नॉन करंट। अगर मान लो 12 महीना है और आपका ऑपरेटिंग साइकिल है मान लो 3 साल, तो इस केस में 3 इयर्स को कंसीडर किया जाएगा। अब आपका जो इन्वेंट्री है, मतलब अगर मैं बात करता हूं कि आप फ्लैट बना के बेचते हो या तो शिप बना के बेचते हो, तो शिप बनाने में 8 से 10 साल लग जाते हैं, तो अभी शिप आपके पास है, आपने आधा बनाया है, तो आप ऐसा थोड़ी बोलोगे उसको पैसा मिलने में 12 महीने से ज्यादा लगेगा तो ये नॉन करंट हो गया। शिप इज एट द यूर इन्वेंट्री, तो उससे रिकवर करने में जो टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने ये 3 साल मान लो लिख दिया यहां पे। तो इसीलिए अदरवाइज तो अपनी इन्वेंट्री भी नॉन करंट में आ जाएगी, तो इसीलिए करंट नॉन करंट कैसे डिसाइड करते हैं, तो 12 मंथ्स या तो जो ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड है उसमें से विच एवर इज हायर लेने का, फिर उसके हिसाब से सोचने का ये विद इन वो पीरियड है या फिर उससे ज्यादा वाले में है। समझ में आता है ये चीज? अच्छा तो ये इन्वेंटरी के लिए मैंने ये बताया, तो अगर इसके लिए कुछ लिखना है तो पहले चलो कुछ लिख देते हैं।
तो करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन, ये जो समझाया था इसके लिए थोड़ा थियोरी में लिख रहा हूं, आप मेरे साथ लिखते जाना। पहला जिसमें हम पॉइंट लिखे, तो असेट ऑब्लिक लाइबिलिटी विच आर एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड और डिस्चार्ज, बिकॉज असेट रियलाइज होगा, लाइब्रेरी को डिस्चार्ज मतलब सेटल करना पड़ेगा, विथ इन ट्वेल्व मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल है कि असेट्स एंड लाइबिलिटीज विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड और डिस्चार्ज विद इन, क्या लिखा है, 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल, फिर इसके नीचे लिखना विच एवर इज लॉन्गर, इनको करंट मानेंगे या नॉन करंट मानेंगे? यहाँ पे क्या लिखा है, विद, तो क्या मानेंगे, करंट। तो अगर तो जो भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज रिलीज होंगे इसके विद इन, तो उनको क्या माना जाएगा, करंट माना जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये समझाना रहेगा, मेरे को वैसे कैलकुलेशंस का इंटर में आता है, बट एक में खाली वो फॉर्मूला लिखा देता हूँ, तो आप लिख देंगे ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, तो नेक्स्ट आपका हेडिंग आ जाएगा ऑपरेटिंग साइकिल इसी के अंदर। इसका कैलकुलेशन इंटर में आता है, इधर हम लोग खाली उसका मीनिंग लिख रहे हैं, तो मीनिंग लिख देना इट इज द टाइम टेकन, इट इज द टाइम टेकन फ्रॉम परचेस ऑफ रॉ मटेरियल टिल द रियलाइजेशन ऑफ डेटर्स, टिल द रियलाइजेशन तो फॉर्मूला वाइज अगर मैं लिखने जाऊं तो फॉर्मूला में क्या क्या आ जाएगा आपका, तो दैट इज रॉ मटेरियल होल्डिंग प्लस WIP प्रोसेसिंग प्लस फिनिश गुड्स होल्डिंग प्लस डेटर्स कलेक्शन आगे। कि जो भी पैसा आपने वो लगाया आपको रिटर्न कब मिला डेटर से, करें स्टार्ट। अच्छा मान लो किसी क्वेश्चन में करंट नॉन करंट के लिए ऑपरेटिंग साइकिल स्पेसिफाइड नहीं किया, तो व्हाट वी विल अज्यूम पीरियड कितना रहेगा, 12 महीना, और उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा।
इफ ऑपरेटिंग साइकिल इज गिवन देन विच एवर इज हायर लेके डिसाइड करने का. अच्छा तो ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल तो उसका ये मीनिंग लिखा दिया और ये विच एवर इज हायर लेना है करके वो लिखा दिया. अब कुछ दो क्वेश्चन है इसके ऊपर, पहले ये कर लेते हैं, फिर और दो क्वेश्चन है जो दूसरे कंसेप्ट है जो इंपॉर्टेंट है, बट पहले कुछ छोटे मोटे दो क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं. सो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर वन जो आपका है. आप पहले रीड करो और मेरे को बताना क्या नॉन करंट है और क्या करंट है करके. अच्छा देखना क्या लिखा गया है. एंटिटी ए हैज टू डिफरेंट बिजनेसेस, तो मैं पहले यहां पे लिख देता हूं वो डायग्राम में आपको समझाने के लिए. एंटिटी ए है जिसके दो बिजनेस, एक रियल एस्टेट और एक मैन्युफैक्चर ऑफ पैसेंजर व्हीकल. तो एक बिजनेस है रियल एस्टेट और एक है पैसेंजर व्हीकल का आपका बिजनेस. अच्छा जिसमें से अगर मैं रियल एस्टेट की बात करता हूँ और पैसेंजर व्हीकल. अच्छा करंट नॉन करंट डिसाइड करना है तो दो चीज़ें होती है, ए बी. तो ए होता है वो होता है आपका 12 मंथ्स और एक होता है ऑपरेटिंग साइकिल जो भी रहेगा, और इसमें से क्या लेने का विच एवर इज लॉन्गर. यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, अगेन 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल का जो भी ड्यूरेशन है विच एवर इज हायर. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. The entity constructs residential apartments for customer and the normal operating cycle is 3 to 4 years. तो real estate के अंदर है ना आपका 3 to 4 years का operating cycle है. और आगे लिखा है with respect to business of manufacture of passenger vehicle, जो आप गाड़ी बनाते हो, normal operating cycle is 15 months. So now, accordingly, if I ask you कि period determination के लिए मतलब current on current के लिए कौन सा period माना जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा माना जाएगा, 3 to 4 years मतलब 4 years maximum, और यहाँ पे आपका 15 months रहेगा उसके हिसाब से देखा जाएगा. जो 15 months में हो रहा है settle वो current और उसके beyond जा रहा है वो non current. तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं answer को. द ड्यूरेशन विल बी दिस, दिस इज आंसर इन डायग्रामेटिक वे, बट हम लोग को अच्छे से लिखना रहेगा तो उसको लिख लेते. ये लिखा है तो अच्छे से वो लिखना स्टार्ट करते हैं आंसर को. अच्छा लिखते जाना एज पर इंडेस वन, एज पर इंडेस वन. आगे लिखना असेट्स और लाइबिलिटीज आर क्लासिफाइड क्लासिफाइड एज करंट if they are expected to realize within 12 months or operating cycle whichever is longer. मतलब कोई भी क्वेश्चन करंट नॉन करंट का आते तो ये लाइन चिपका देने का सबसे पहले कि कर वो whichever is higher करके. फिर अभी फैक्ट्स यहां पे और एक चीज नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं. डिफरेंट बिजनेस डिफरेंट बिजनेस
विद इन एन एंटिटी मे हैव डिफरेंट ऑपरेटिंग साइकिल डिफरेंट ऑपरेटिंग साइकिल एंड हेंस क्लासिफिकेशन वुड बी और वुड चेंज डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ एसेट। इसका मतलब ये कि एक कंपनी के दो दो असेट है, तो रियल इस्टेट वाला असेट के लिए अलग ड्यूरेशन देखा जाएगा, 3 से 4 साल वाला, और वही अगर मान लो कोई गाड़ी है जो आधे दूर है तो उसके लिए 3 4 साल वाला नहीं, उसके लिए देखा जाएगा आपका ये कंपनी एक है, बैलेंस शीट एक है, लेकिन करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन करते टाइम दो दो अलग ड्यूरेशन रहेगा, तो अलग अलग इसके लिए। ये इस लाइन का मतलब है कि डिफरेंट बिजनेस है तो अलग अलग असेट के लिए अलग अलग ड्यूरेशन रहेगा आपका। अब बस वो कंक्लूजन लिखना है जो डायग्राम में लिखा है। इन द गिवन केस इन द गिवन केस असेट्स ऑब्लिक लाइबिलिटीज विद इन रियल इस्टेट बिजनेस आर क्लासिफाइड एज करंट इफ दे आर रियलाइज्ड विद इन 3 to 4, दैट इज मैक्सिमम 4, 3 to 4 years एंड दोज विद इन पैसेंजर व्हीकल दोज विद इन पैसेंजर व्हीकल आर क्लासिफाइड एज करंट इफ दे रियलाइज्ड विद इन 15 months। ऊपर डायग्राम बनाया था उसको खाली लिख के बताया कि ऐसा है करके, और कुछ नया नहीं किया। सर इन्वेस्टमेंट जो होते हैं करंट नॉन करंट वो एसएससी के रिटेंशन पर डिपेंड होता इन्वेस्टमेंट रियलाइज कितने टाइम में होगा, मतलब तू सेल करेगा। हाँ, करंट वो नॉन उसके इंटेंशन पर डिपेंड होगा ना जो। वेन यू से इन्वेस्टमेंट, एक्चुअली इट फॉल्स अंडर फाइनेंशियल लाइबिलिटी, फाइनेंशियल असेट्स एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी। मतलब ऐसा है कि ये जो ऊपर तूने लिखा है ना, इसके अंदर और दो क्लासिफिकेशन है, फाइनेंशियल असेट्स एंड अदर असेट्स। फाइनेंशियल असेट्स एंड अदर असेट्स, हाँ, बट वो इंटेंशन पे डिपेंडेंट है वैसे तो, अगर तू देखेगा तो करंट नॉन करंट, बट वो फाइनेंशियल रहेगा वो इन्वे। अब फाइनेंशियल कब रहेगा उसकी भी कंडीशंस है कि आपको पैसा मिलने, वो फाइनेंशियल असेट का एक डेफिनेशन है जो तभी बताया था। हाँ, बट वैसे तो तेरे इंटेंशन पे डिपेंड है कि कितने महीने में तेरा रियलाइज होने वाला है करके। अभी डिबेंचर है, तूने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो तो 5 साल बाद है, 10 साल बाद है, तो वो ऑब्वियसली फिर नॉन करंट में आ जाएगा। और कोई किसी को लोन दिया है और मेरा ऑपरेटिंग साइकिल 3 साल का है।
हाँ तो करंट में आ जाएगा अब, हाँ वो करंट में आ जाएगा। और अभी एक यहाँ का, यहाँ वाले एक लोन से और एक एडजस्टमेंट आने वाला है स्पेशल केस करके, लेकिन वो तेरा करंट में आ जाएगा बिकॉज ड्यूरेशन जो तेरा है वो 12 मंथ्स, और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज हायर लेना है तेरे को हमेशा करंट नॉन करंट के लिए। हाँ मतलब असेट कहाँ का है, मतलब दैट असेट इज कनेक्टेड टू फर्स्ट बिजनेस और सेकेंड बिजनेस उस हिसाब से। अच्छा क्वेश्चन टू ट्राई करते हैं। इफ नथिंग इज मेंशन विद रेफरेंस टू ऑपरेटिंग साइकिल तो आपका पीरियड कौन सा रहेगा जो सोचने के लिए रहेगा, वो 12 मंथ्स वाला रहेगा। अच्छा लेट्स कम टू क्वेश्चन टू, देखते हैं आप कितना सोच के बताते हो। चलो पहले क्वेश्चन टू जरा रीड करो। एन एंटिटी हैज़ प्लेस सर्टन डिपॉजिट्स विद वेरियस पार्टीज, हाउ द फॉलोइंग डिपॉजिट शुड बी क्लासिफाइड। अच्छा हमने डिपॉजिट क्या मतलब, ये ऑब्वियसली हमारे असेट साइड पे दिख रहा है, बट नाउ द थिंग इज ऑन असेट साइड वेदर इट विल बी करंट और नॉन करंट। तो पहला होता है इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, आपने कुछ इलेक्ट्रिसिटी का लाइन लिया और कुछ डिपॉजिट किया, तो ये पैसा आपको मिलने वाला है आने वाले 12 महीने में, जिस दिन इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आप टर्मिनेट करोगे तब मिलेगा, जब इलेक्शन सॉरी वो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आप टर्मिनेट करोगे तब वो आपको मिलेगा, मतलब कनेक्शन हटा दोगे। अच्छा तो इसमें नॉर्मली करंट में आना चाहिए कि नॉन करंट में, नॉन करंट। बट अगर मान लो ऐसा लिखा है दैट हाँ और कंपनी आने वाले 4 महीने वो ये करने वाला है, वो कनेक्शन हटाने वाला है, तो उस केस में क्या हो जाएगा करंट। तो नॉर्मली हम नॉन करंट लिखेंगे, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो करंट में आएगा अगर वो कनेक्शन अपना टूटने वाला है आने वाले 12 महीने के अंदर और पैसा मिलने वाला है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली क्या आ जाएगा आपका, नॉन करंट। दूसरा है आपका टेंडर डिपॉजिट और ऑन मनी डिपॉजिट। अच्छा ये टेंडर डिपॉजिट क्या होता है? गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो एक सिक्योरिटी मनी देना होता है तभी तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। हाँ वैसे वो टेंडर में डिपॉजिट रखा क्यों जाता है, उसका मेन रीजन क्या रहेगा? हाँ नहीं तो कोई कुछ भी बिडिंग कर देगा और बाद में मान लो डिपॉजिट रखा ही नहीं है, तो उसने अननेसेसरीली आप ट्रू जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको ढूंढ नहीं पाओगे। एक ने एकदम लोएस्ट प्राइस रखा और आपने बोल दिया ठीक है उसको सेलेक्ट करते हैं, फिर वो अपने कॉन्ट्रैक्ट से मुखर गया। तो अगर टेंडर वो डिपॉजिट लेके रखोगे तो वो मुखरेगा, तो एटलीस्ट पैसा रख पाएंगे, मतलब जो भी टेंडर भरेगा वो एक्चुअल में जेन्यून पर्सन रहेगा, वो जेन्यून कोटेशन ही देगा, क्योंकि अगर वो फुलफिल नहीं कर पाया अपना प्रॉमिस तो अपन उसका पैसा फॉरफिट कर लेंगे। अब आपने किसी गवर्नमेंट का वो टेंडर डिपॉजिट किया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो अभी आपके लिए वो टेंडर डिपॉजिट क्या रहेगा, करंट या नॉन करंट? जनरली वो जो प्रोसेस होता है वो 12 महीने के अंदर खत्म हो जाता है, तो उस केस में करंट। बट अगर ऐसा लिखा गया है कि वो बिडिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद उसको 12 महीने से ज्यादा लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉन करंट। लेकिन वो बिडिंग वाला प्रोसेस जनरली 12 महीने के अंदर खत्म हो जाता है, तो वो क्या रहेगा आपका, करंट। आपने जो डिपॉजिट किया वो 12 महीने के अंदर आपको वापस मिलने वाला है। सेल्स टैक्स एक्साइज डिपॉजिट डिपॉजिट पेड अंडर डिस्प्यूट है, तो मुझे बताओ गवर्नमेंट से टाइम लगेगा पैसा आने में, तो नॉन। तो चलो आंसर लिख देते फटाफट। पहला इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, तो लिख देते हैं इट इज नॉन करंट। अनलेस द कनेक्शन
अनलेस द कनेक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी ट्वेल्व 12 महीने वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है करके. अच्छा बी टेंडर डिपॉजिट. टेंडर डिपॉजिट तो जनरली टेंडर वाला प्रोसेस पूरा 12 महीने में खत्म हो जाता है. देयरफॉर वी विल से करंट unless the bidding process is expected to take more than 12 months. देन और थर्ड वाला है आपका सेल्स टैक्स और एक्साइज डिपॉजिट पेड अंडर डिस्प्यूट. और एक्साइज बोलो डिपॉजिट वो जो डिस्प्यूट में है पेड अंडर डिस्प्यूट. तो उस केस में आपका इट इज कंसिडर्ड एज नॉन करंट अनलेस द डिस्प्यूट इज expected to dissolve within 12 months. अच्छा नाउ देर आर टू मोर क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ. बट उसके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना रहेगा फिर वो होएगा. इतना लिख दिया तो आगे देखते हैं. ब्रेक लेना है. अच्छा अच्छा विल टेक अ ब्रेक. ये बंद करते हैं.